गाइस बंगाल और उसके लैग के दोनों ही मैचेस डिफेंस के नाम गए। गाइस पहला मैच जैसे कि जयपुर पिंक पैंथर ने बहुत ही अच्छा डिफेंस के साथ वो मैच जीता, यहाँ पे सुनील सिद्धगवली ने 8 टैकल पॉइंट्स लिए। उसी के साथ हम बात कर लेते हैं दूसरे मैच की जो होगा तमिल तलाई वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का। गाइस इसका फाइनल स्कोर रहा 21-28 के। हाँ बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग मैच है, गाइस रेडिंग में बिल्कुल भी दोनों ही टीमों की तरफ से इतना अच्छा प्रेशर नहीं हुआ। हालांकि हम बात कर ले अगर बंगाल वर्सेस की, तो गाइस वहाँ पर उन्होंने 2 सुपर रेट्स लगाए जिनमें एक थी 4 पॉइंट्स की रेट जो कि लगाई मनिंदर सिंह ने और गाइस बलदेव सिंह ने, और गाइस दूसरी जो रेट थी वो रण सिंह ने लगाई जिसमें 3 पॉइंट्स वो लेके गए। गाइस 2 सुपर रेट लगी और इस मैच पूरी तरीके से पलट दिया था दूसरी सुपर रेट ने जो कि रण सिंह ने लगाई थी। गाइस वो एक डिफेंडर है और गाइस थोड़ा हल्के में ले लिया तमिल तलावा से उनको, और गाइस वहाँ पर उन्होंने 3 पॉइंट्स गिफ्ट कर दिए रण सिंह को जो कि एक सिंपल रेट मारने आए थे। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं अगर तमिल तलावा की, जो गाइस यहाँ पे हमारे अमित हुड्डा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए हमें नजर आए हैं। वहाँ पर उन्होंने 8 टोटल पॉइंट्स लिए में 7 टैकल पॉइंट्स से और 1 रेड पॉइंट था। गाइस यहाँ पे अगर हम बात कर लेते उनको टक्कर गाइस सुरजीत सिंह ने दिया जहाँ पे उन्होंने भी 7 टैकल पॉइंट्स लिए हैं। उसके साथ हम बात कर लेते हैं अगर रेडिंग में सर मनिंदर सिंह और अजय ठाकुर में इतनी ज़्यादा कोई कॉम्पिटिशन तो हुआ नहीं, क्योंकि मनिंदर सिंह ने भी इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं करा और ना ही अजय ठाकुर ने इतना खास प्रदर्शन करा। वहीं पर अगर हम सपोर्टिंग रेडर की बात कर लेते हुए जहाँ पे सपोर्टिंग रेडर के तौर पर भी किसी ने इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं करा, और गाइस यहाँ पे जो पूरा मैच था वो था डिफेंस का, और गाइस डिफेंस नहीं इस मैच को जीता क्योंकि तमिल ड्राइवर्स का अगर हम डिफेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिफेंस खेला, बट गाइस यहाँ पे इतना अच्छी रेडिंग साइड नहीं खेल पाई। गाइस यहाँ पे डिफेंस तो दोनों टीमों को बराबर ही था, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस मैच वीडियो में बोला था कि गाइस डिफेंस बराबर होने वाला है, तो गाइस यहाँ पे डिफेंस दोनों टीमों का बराबर था। गाइस रेडिंग में मैच पलटा, गाइस रेडिंग में अगर अजय ठाकुर को सपोर्ट मिलता और अजय ठाकुर भी अच्छा प्रदर्शन करते तो मैं मानता हूँ कि इस मैच को जीत सकते हैं। गाइस अब पूरी तरीके से वो प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, गाइस जोन बी की एक और टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। गाइस यूपी उधर तो पहले ही प्लेऑफ से बाहर थी और अब तमिल तलावस भी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो गाइस अब पूरी पूरी टक्कर है और यही संभावना है कि गाइस तेलुगु टाइटंस को पछाड़ देगी बंगाल वॉरियर्स और गाइस जीत प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर लेगी। तो गाइस मेरे को लगता है कि टॉप 3 जोन बी की जो टीमें होने वाली है क्वालिफायर वो होने वाली हैं पटना पायरेट्स, बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स। तो गाइस यही थी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच में डिफेंस के मैच में तमिल तलावस को हार मिली और गाइस यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स अपने पहले होम लैग के मैच में ही जीत प्राप्त करी है। सो गाइस यही थी एक वीडियो, लाइक एंड शेयर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गाइस हम अपने चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं, कबड्डी और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो गाइस जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे एक और चैनल का लिंक मिल जाएगा, गाइस उसे भी जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दोस्त का चैनल है जल्दी जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पर भी आपको ड्रीम इलेवन मिल जाएंगी, बहुत सारी टीमों की स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो गाइस जल्दी जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बताऊँ वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।